क्या केवल इतना ही? मैंने इतना छोटा कूल्हा कभी नहीं देखा। मैं बहुत लकी निकली। लकी? देखो मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। मैंने ऐसी बोतल कभी नहीं देखी। लेकिन जो सबसे कम लकी है वह पहले शुरू करेगा। मैरी तुम पहले करो। एकदम आसान, केवल इस छोटी बोतल को किसी तरह खोलना होगा। लेकिन कैसे? यहाँ तक कि दांत भी मदद नहीं कर रहे। लेकिन मैं किसी भी तरह खोल कर रहूंगी। अब खुल भी जाओ। ओह, मैंने कहा था मैं किसी भी तरह खोल ही लूंगी। कितना स्वादिष्ट। पर अफसोस की बात है कि इतना कम था। एमा, अब कोक को पीने की बारी तुम्हारी है। हाँ, यह मेरा पसंदीदा सोडा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। वैसे इसे और भी स्वादिष्ट क्यों ना बनाएं? जैसे कि कोला में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। अब बस सब तैयार है। अब इसे थोड़ा हिलाना है। और बेशक आप कोला गर्म नहीं पी सकते, इसे अच्छी तरह से ठंडा करना होगा। हो गया, आप इसे पी सकते हैं या बल्कि इसे खा सकते हैं। वाह, उसे कोला फ्लेवर्ड जेली मिली है। बिल्कुल, यह सब फ्रिज में शहद की वजह से हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। मैं सारा अभी खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, शायद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ, नहीं, शहद की वजह से मेरा हाथ बोतल से चिपक गया। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, मैं गंदा नहीं होना चाहती। तब मुझे टेबल का उपयोग करना होगा। अब मैं अपने हाथ का क्या करूं? हाँ, मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ। खैर, अब कोक पीने की मेरी बारी है। और मैंने इसके लिए स्ट्रॉ तैयार रखा है। अच्छा दिख रहा है ना? ओ नहीं, मैंने स्ट्रॉ डुबो दिया। ओह, अब मैं निश्चित रूप से कोला नहीं पी सकती। ये अच्छा है कि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉज हैं। और मैं इसे एक लंबे स्ट्रॉ बना सकती हूँ। हे एमा, मेरा कहना है कि क्यों ना उसके आइडिया को उधार ले ले और कोक भी। हे, यह क्या है? एक मिनट रुको। लड़कियों, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? क्या तुमने बचपन में नहीं सिखा है कि दूसरों की चीजें नहीं ले सकते? हटो यहाँ से। लालची, हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत है। ये अच्छा है कि मैं हमेशा मेंटोस कैंडी अपने साथ रखती हूँ। तैयार? अब यह विस्फोट करने वाला है। हुरे, कितना बढ़िया विस्फोट है। अब मैं पूरी चिपचिपी हो गई हूँ और मेरे पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब हम सब फनी दिख रहे हैं। ये इसके लायक था। हाँ, इससे मेरा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। हाँ, पर ये नूडल्स बहुत तीखे होते हैं। ओ नहीं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरे पास पूरी बाल्टी भर कर नूडल्स है। अच्छी बात है कि केट इस बार शुरू करेगी। मैं कायर नहीं हूँ, मैं निश्चित रूप से नूडल संभाल सकती हूँ। और ये ज्यादा भी नहीं है।
ओह, यह कितना तीखा है। दोस्तों, तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार सरप्राइज इंतजार कर रहा है। हाँ, यह अच्छा नहीं है। एम्मा, मैं तुमसे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करती। जितनी जल्दी मैं इसे खाऊंगी उतनी जल्दी मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब तक सब ठीक है। ओ, मुझे लगता है कि मैं समझ गई कि केट किस बारे में बात कर रही थी। सच में बहुत तीखा है। ओ, मैंने काफी दिनों बाद इतनी आग देखी है। फ्यू, अब यह बहुत बेहतर है। पानी ने मदद की। मैरी, बातें करना बंद करो या नूडल्स खाने का समय है। लेकिन मैं ये नहीं खा सकती, नहीं। पर मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। दोस्तों, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एम्मा, मुझे थोड़ा पानी दो। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को नहीं छोड़ते। हम तुम्हारी मदद करेंगे मैरी। धन्यवाद, यह इस तरह से बहुत आसान है। मैं खाना जारी रख सकती हूँ। बस मुझ पर स्प्रे करना नहीं भूलना। मैरी, तुम हमेशा हम पर भरोसा कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, पर मुझे पानी चाहिए। ओ, लगता है पानी खत्म हो गया है। कितना बुरा समय है। बचाओ। दोस्तों, मुझे तुम्हारे बाल के लिए अफसोस है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ओह, कितना कटीला कैक्टस, तेज और बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा कैक्टस बड़ा है? क्या तुमने मेरा देखा है? इसे तो देखकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। जब तुम्हारे खाने की बारी आएगी देखते कि तुम कितनी शांत रहोगी। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कैक्टस के सारे कांटों को हटा दिया जाए, तब मुझे ये चुभेगा नहीं। यह अच्छे से हो गया। स्वाद अभी भी वैसा ही है, लेकिन ट्वीज़र वाला मेरा आइडिया काम किया। ठीक है, अब मेरा हो गया। अब एम्मा की बारी है। मुझे भी कांटों से छुटकारा पाना होगा और मुझे इससे अच्छे से निपटना आता है। हैया, यह तैयार है। वाओ एम्मा, तुम एक असली निंजा हो। शाबाश। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन बातें करना बंद करो, यह खाने का समय है। ओ नहीं, यह बहुत खराब है। यहाँ तक एक निंजा भी ऐसे कचरे को संभाल नहीं सकता। घिनौना। लेकिन तुम्हें अभी भी इसे खाना होगा। आखिर ऐसे बेकार नियम को बनाया किसने? नहीं, बहुत हो गया। इतनी खराब चीज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई है। खैर, मेरा हो गया। अब सिर्फ तुम बची हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि मैं मैरी की तरह करूंगी। मैं भी ट्वीज़र के साथ सभी कांटों को बाहर निकालूंगी। मेरे पास एक बेहतर और तेज आइडिया है। केट, यह आरी ले लो। आरी? ओ नहीं, मैं उसे वैसे भी संभालना नहीं जानती, लेकिन ट्वीज़र के साथ ये आसान है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ बैठकर इंतजार कर लेते हैं।
उफ़, ऐसे बैठकर इतना इंतजार करना कितना बोरिंग है, और अभी भी बहुत बचा है। चलो अब खा भी लो। केट, इतना समय क्यों लगा रही हो? रोना बंद करो, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब यह तैयार है। ओह, सब सो रहे हैं। ठीक है, मैं अकेली ही इसे खा लेती हूँ। महक तो ठीक है। ओह, लड़कियां सही थी। कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा है, लेकिन जब से हर कोई सो रहा है, किसी को शक नहीं होगा कि मैंने इसे फेंक दिया है। ओह, वह क्या था? ओह, यह मैं हूँ। बस वह इतना खराब था, मैंने उस बर्तन को दूर फेंक दिया। ओह, बेचारी केट, वो मेरे झांसे में आ गई। कूल, मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है, खासकर जब इसमें बहुत ज्यादा हो। वैसे भी मेरे पास सबसे अधिक है। हाँ, तुम लकी हो, लेकिन केट शुरू करेगी। लेकिन न्यूटेला को ऐसे खाना जल्दबाजी होगी। मैं सबसे पहले छोटे टोस्ट बनाऊंगी, ताकि चॉकलेट पेस्ट फैलाने के लिए कुछ तो हो। जरा देखो, इसके लिए मेरे पास छोटा किचन है। थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर इसे पलट देते हैं, और मेरा छोटा टोस्ट तैयार है। और अब समय है न्यूटेला को लगा लेने का। देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है, यह कितना प्यारा है। मुझे यह बहुत पसंद है, मैं तो इसे जीवन भर खाना चाहूंगी। यह अफसोस की बात है कि जार छोटा है, यह बहुत जल्दी समाप्त हो गया। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं भी न्यूटेला के मजे ले सकती हूँ, और इसके लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपनी उंगलियों से खाऊंगी। ओ हाँ, यह तो कमाल का है। पर यह बहुत साफ नहीं है, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट है। ओ नहीं, हे, मेरा हाथ। केट, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आ, हाँ, हम इस आरी का उपयोग कर सकते हैं। नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। ओ एमा, तुम जीनियस हो, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब जार को बाय बाय करने का समय है। एमा, अब तुम्हारी बारी है। वाह, जरा देखो कितनी चॉकलेट है। लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी संभाल सकती हूँ। मैंने विशेष रूप से एक विशाल चम्मच भी तैयार किया है इसके लिए। ओ हाँ, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओ ओ, ऐसे जार के लिए चम्मच बहुत छोटा है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चम्मच के बिना सब कुछ खत्म कर दूंगी। ओ हाँ, मैं इसे खत्म कर रही हूँ। ओह, तुम्हारे शिष्टाचार किधर गए? एमा, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। आह, क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया। मुझे सबसे छोटा प्लेट मिल गया, लेकिन शायद ये ठीक ही हुआ, क्योंकि इसमें मिर्च है। कितना छोटा है, पर तभी भी मुझे डर लग रहा है। कितना बुरा, कितना तीखा है। उफ, अच्छा है कि मेरे पास में पानी है। कुछ मुझे बता रही है कि मेरा हिस्सा कुछ अच्छा नहीं है। इसके बारे में बस एक ही बात ठीक है कि यह मेरे कपड़ों से मेल खा रहा है।
और मैं जानती हूँ कि इसे कम तीखा कैसे बनाया जा सकता है। मुझे शहद की जरूरत है, बहुत सारा शहद। वाह, यह मैंने क्यों नहीं सोचा। शुरुआत तो अच्छी है लेकिन अब काफी तीखा लग रहा है। चिंता मत करो, पानी बचा हुआ है। धन्यवाद जेस, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। अब मैं ही बाकी हूँ। ओह, यह तो बहुत बड़ा है, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं इसे नहीं खाऊंगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं करती हूँ, कहीं मैं जल ना जाऊं। अगर जल गई तो, अरे नहीं, पानी खत्म हो गया। अच्छा है कि एक आग बुझाने वाली मशीन है मेरे पास। मैं इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुई थी, फोम में ढक करके। धन्यवाद दोस्तों, इस बार मुझे पहले जाना है। एक किटकैट, यह उतना बुरा नहीं है, लेकिन यह इतना छोटा क्यों है? इसे तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखना मुश्किल है। ठीक है, मैं खाती हूँ। स्वादिष्ट, लेकिन अफसोस, यह तो बेकार कॉम्बो है। इसका मतलब है कि मेरे लिए इससे बड़ा किटकैट इंतजार कर रहा होगा। वाह, इसमें तो बहुत सारे हैं। सुनो, तुम्हें बांटना सीखना होगा। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने अपना खा लिया है, कितना अच्छा है, लेकिन एक चॉकलेट बार काफी नहीं है। लगता है कि तुम्हें अपना चॉकलेट बहुत पसंद आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़े ले लूँ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। एमा, मैं देख सकती हूँ तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। और यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरे सारे कैंडी बार कहाँ गए? तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। माफ करना कैटी, मैं उसे रोक नहीं पाई। अरे, मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता, यह रहा किटकैट। वाह, कितना बड़ा है। मुझे पता है, किस्मत मेरा साथ देती है। इसे काटने के लिए मुझे चेन शॉ की जरूरत होगी। हो गया, अब आखिरकार मैं खा सकती हूँ। और दोनों टुकड़े बहुत ही स्वादिष्ट है। अफसोस है, ये जल्दी खत्म हो गया। तुम्हें सच में सोच समझ कर खाना चाहिए। लगता है फिर से पहले मेरी बारी। हॉट डॉग, ये अच्छा रहेगा। मुझे बहुत भूख लगी है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्वादिष्ट, लेकिन इसमें किसी चीज की कमी है। केचप। चलो फिर से खाती हूँ, अब बहुत ही बेहतर है। अच्छा आइडिया है, काश मुझे भी हॉट डॉग मिले। वाह, कितना बड़ा है, यह मुझे बहुत पसंद आया और स्वादिष्ट भी लग रहा है। एमा सही कह रही थी, सच में इसका स्वाद बहुत अच्छा है, पर फिर भी मैं इसमें सॉस डालूंगी। मेरा चेहरा हर जगह लग गया। तुम्हें अपना काम और ध्यान से करना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी भूल को ना दोहराऊं। इतना बड़ा हॉट डॉग, सपने सच में सच होते हैं। मेरा दिल धड़कना ही बंद कर देगा, मुझे कितनी जलन हो रही है। तुमने कहा यह केचप के साथ बेहतर होगा, तब मैं इसमें और डालती हूँ। इसे आधे में काटती हूँ कि खाने में आसान हो।
की खुशबू कितनी अच्छी है, मुंह में पानी आ गया। यह सब कुछ ज्यादा ही अच्छे से जा रहा है। चलो इसमें कुछ टबैस्को डालती हूँ। बढ़िया आइडिया है जस। चलो देखते हैं इसके बारे में उसे क्या कहना है। यह अलग सा है। मेरा मतलब बुरा नहीं है, तुम्हें चाहिए जैस? हाँ बिल्कुल। ओह कितना तीखा है। हाँ इसलिए तुम्हें इसमें टबैस्को नहीं डालना चाहिए था। आखिरकार शुरू करने की बारी अब मेरी है। सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। इस आंख को तो एक टेबल टेनिस बॉल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे खा भी सकते हैं। मजेदार और स्वादिष्ट। अब मेरी बारी। वाह इतने सारे गमी आंखें एक साथ, सारे कितने स्वादिष्ट हैं। जैस ने तो मेरी भूख ही मिटा दी। माफ करना एमा, मैं तो बस उन आँखों का मजा ले रही थी। मुझे क्या हो रहा है? वाओ तुम्हें इतने सारे आँखें मिले जो एक ही साथ खुल गए हैं। शुक्र है कि सब खत्म हो गए। हाँ बेहतर होगा कि ऐसा मेरे साथ ना हो। वाह यह तो बहुत बड़ी आँख है और कितना भारी है। एमा हमें डराना बंद करो। माफ करना मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे नहीं मेरे दांत फंस गए। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं गिर रही हूँ, मुझे चोट लग गई। हाँ यह सब उतना अच्छा नहीं हुआ। फिर से हम पहले मेरी बारी। ब्रोकली यह कुछ अच्छा नहीं है, मुझे यह नहीं खाना। मुझे इतना ज्यादा क्यों मिला है? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वह कितना गंदा होगा। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? अरे नहीं जैसा मैंने सोचा था उससे भी बुरा है यह। इससे बचने का कोई तो तरीका होगा। कितना सुंदर। अरे केटी यह लो यह तुम्हारे लिए। कितना प्यारा, धन्यवाद। लेकिन रुको ये तो ब्रोकली है। उपहार वापस करना अच्छी बात नहीं होती है। अब तो मुझे सोच कर ही डर लग रहा है कि मेरे लिए क्या होगा। अरे बाप रे मुझे नहीं पता था कि सब्जियां इतनी बड़ी हो सकती हैं। मुझे शुभकामनाएं दो दोस्त। हाँ हाँ शुरू करो। सच में उतना बुरा नहीं है। मुझे तो यह पसंद आ रहा है। जैस लग रहा है कि तुम खुद एक ब्रोकली में बदल रही हो। हमारी दोस्त अब एक ब्रोकली है। वाह तुम्हें पता है क्या, मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। अरे नहीं मैंने जो कहा मैं वापस लेती हूँ। इस कैक्टस ने सब बदल दिया। तुम्हें सच में इसे छूना नहीं चाहिए। फिर मुझे इसका खतरनाक हिस्सा हटाना होगा। चलो अरे ध्यान से इसे फेंको। आउच दर्द हो रहा है। सब निकल गया। अब मुझे इसे खाने में जरा सा भी डर नहीं है। छी वो क्या है, इस कैक्टस का आकार तो ज्यादा ही बड़ा है और वह पूरा तुम्हारा है। इससे तो डर लग रहा है। नहीं मत करो। तुमने यह क्यों किया? मुझे तुम्हें बचाना था और इसकी वजह से मैं कांटों में ढक गई हूँ। वाओ च्युइंगम मेरा पसंदीदा। ओह माय और इसके अंदर कुछ भरा हुआ भी है।
मैं अभी इसे खाने के लिए तैयार हूँ। देखो मैं क्या कर सकती हूँ जैक। बुरा नहीं था, लेकिन क्या तुम उस गम के से एक बबल फुला पाओगी जिसके अंदर एक सरप्राइज हो? मैं बस इसे यहाँ छोड़ देता हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। यह क्या है? मेरा दांत। वो तो उल्लू बन गई। यह तो बहुत बड़ा है। अपने हाथ इसे दूर रखो, बदतमीज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे अपने मुंह में कैसे डालूं। शुरू करता हूँ। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अरे यार, यह आखिरी हिस्सा अंदर नहीं घुस रहा है। ओह, फंस गया। मदद करो। छी, कितना गंदा। चलो और जोर से खींचो। मैं कोशिश कर रही हूँ। मेंटोस का इतना बड़ा पैकेट, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। ओह नो। और मेरा कहाँ है? इसे तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। खैर, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसके मजे नहीं लूंगा। मुझे लगता है मैं शुरू करूंगी। ओ, कैंडी की बारिश। वाओ। जैक, इस तरफ देखना भी मत महाशय। मैं इन सबको एक बड़े टुकड़े में जोड़ती हूँ। हो गया। और अब इसे एक तरबूज की तरह रंग देती हूँ। ओह जैक, यह तुम्हारे लिए है। और अब मैं धमाके के लिए तैयार हो जाती हूँ। यह क्या हो रहा है? यह काम कर गया। इतना सारा फेज, यह तो बहुत बढ़िया है ना? एक किटकैट, मुझे तो यही चाहिए था। क्या मुझे कुछ नहीं मिला? मुझे तो कोई कैंडी नहीं दिख रहा है। एक टुकड़ा मुझे तोड़ कर दो, प्लीज प्लीज। तुम कितने प्यारे हो जैक, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। चलो आधा आधा खाते हैं। धन्यवाद। तुम्हें मानना होगा कि यह बहुत बढ़िया है। यह तो तुमने एकदम सही कहा। यह मेरे लिए। अच्छा है, यह तो अद्भुत है। जैक, तुम मेरे साथ बांटोगे ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, यह पूरा चॉकलेट मेरा है। इसके बारे में तुम देख लूंगी। आ रहा है। यह तुम क्या कर रही हो? तुम इसे मार रही हो। तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। और इस सबके दोषी तुम ही हो। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। यह स्वादिष्ट है। दूध और जिंजर ब्रेड मैन, बहुत बढ़िया। इसकी खुशबू अदरक और दालचीनी की है। चलो खाना शुरू करो। यह अच्छा और कुड़कुड़ा है। ठीक है, अब मैं क्रिसमस के लिए तैयार हूँ। और यह रहा मेरा जिंजर ब्रेड मैन। हेलो मेरे प्यारे। क्या तुम तैरने के लिए तैयार हो? लगता है कि यह ग्लास तुम्हें डुबाने के लिए छोटा है, लेकिन चिंता मत करो, इससे मैं नहीं रुकूंगी। यह एक दूध का सुनामी है। नहीं, देर हो गई जैक। माफ करना, तुम गलत समय पर गलत जगह पर थे। इससे मुझे कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इस प्रक्रिया में कुकी ने बहुत सारा दूध सोख लिया है। स्केटल्स तो आसमान से उड़ते हुए आ रहे हैं। वाओ। चलो इन अच्छे चीजों को जारी रखते हैं। मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है, कितने रंगीन है। और अब मेरी बारी। Oh my gosh!
जैक, क्या तुम्हें ये विश्वास हो रहा है कि स्किटल्स का बैग कितना बड़ा है? मुझे लगता है कि मुझे एक सीढ़ी की जरूरत होगी अपने कैंडी तक पहुंचने के लिए। वाह, मैं अंदर घुस गई। ये तो स्किटल्स के एक पूल की तरह है। बहुत बढ़िया, जगह बनाओ, मैं भी आ रहा हूँ। ये तो सच में बहुत मजेदार है। ओह माय, कृपया कहो कि ऐसा नहीं है। मुझे तो इसे ज्यादा पिज्जा चाहिए, इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। मुझे इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। माफ करना, पर कुछ बचा नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ और भी बेहतर है। मुझे पता था कि बेहतर हिस्सा तुम्हें ही मिलेगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ, पहले मैं इसे लपेटूंगा। आह, चोट लग गई। माफ करना, गलती से हो गया। तुमने मुझे सिर पर मारा और इसलिए मुझे पिज्जा चाहिए। ओह, मुझे लगता है कि मैंने पिज्जा को तोड़ दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। तुम सही कह रही हो, सबके लिए काफी है।